डिस्कस किए थे ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था वो। जैसे कल डिस्कस किए थे अर्थ, अर्थ के बारे में डिस्कस किए थे कि अर्थ भी बहुत बड़ा एक मैग्नेट चुंबक है। ये देख रहे हो फिगर ना, दिख रहा है फिगर यहाँ से वहाँ से, अच्छी बात है। तो धरती भी बहुत बड़ा एक अपना चुंबक है ना। इसीलिए धरती में कोई लोहे के कील या इस प्रकार का कोई सब्सटेंस डाल देते हो वो भी चुंबकित हो जाता है, उसमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, उसमें भी चुंबक का गुण आ जाएगा, चुंबक का प्रॉपर्टी आ जाएगा इस पर। हाँ, तो जो चुंबक है इससे क्या निकलेगी? चुंबकीय बल रेखा निकलेगी। समझ में थोड़ा सा बता देते ना कि चुंबकीय बल रेखा नहीं समझ में आएगा इसको तो मैग्नेट पूरा चौपट हो जाएगा, डूमनेट लगेगा हमको, है ना। देखो हम लोग मैग्नेट पढ़ रहे हैं, ये क्या दिए हो लिखने के लिए? कलम है, ये ओरिजिनल है, उसे खड़ा का लग रहा है, उसका दुकान का डुप्लीकेट है। ठीक है, मैग्नेट है ना। पेज बोलो, पेज एक, डेट बोलो, 17 सर, दिख रहा है? यस सर, है ना, दिखेगा। 18 के लिए हम खत्म करते हैं, हम आते हैं यहां से। 17 ये एक मैग्नेट है, ध्यान दो यहाँ से, कि निकल गया वैसे नहीं है, ये इसका नॉर्थ पोल है, चुंबक देखा है ना, वही के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चंबुक के बारे में पढ़ रहे हैं, तुम देखा था ना। ये कह रहे ये सब पढ़ने वाला चीज हम लोग को वैसे जानते हैं, डायरेक्ट बताइयो सर, डायरेक्ट। ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और इसको कहा जाता है साउथ पोल, है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। तो एक बल रेखा निकलती है इससे जो कि नॉर्थ पोल को 90 डिग्री पर छोड़ती है और साउथ पोल पर 90 डिग्री पर प्रवेश करेगी, ऐसे, है ना, इस प्रकार से बल रेखा। और एक अर्धवृत्त ऊपर जो है, देखो ये किस फॉर्म में बना रहा है, अर्धवृत्त के रूप में है ना, ये अर्धवृत्त के रूप में है, ये अर्धवृत्त के रूप में है, ये सब का सब अर्धवृत्त के रूप में है, है ना। इस प्रकार का कुछ डायग्राम ड्रॉ किए थे, है ना, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से निकलती है सर, हाँ, है ना, इस साइड, है ना, इस प्रकार से एक मध्य बिंदु, यही बनाए थे फिगर कल हम। यस सर। तो अभी ये एक दूसरे कभी काटती उठती नहीं है, काटी है ना, नहीं काटी है, है ना, नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखा जो है, ये चुंबकीय बहुत डिटेल में कर दिया, 1 घंटा इसी पर लगा था कलम को, नहीं लगा था, फिर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे, तो कुछ इसी प्रकार के ये देख रहे, जिससे पृथ्वी में निकलता है ना उसी प्रकार की यहाँ भी है, ये भी उसमें कभी क्रॉस नहीं करती है। तो यही इमेज मेरा है, तो कल वाला थीन है, यस सर, हाँ लाओ उसमें से, ठीक है, तो यहाँ देखो कल वाला थीन लो, कुछ इसमें से बहुत हुआ है ना, ठीक है, छोड़ो उसको, मत दाओ ऐसे करो, ये नहीं है, ये तो बहुत पहले वाला है, परसों वाला है ये थीम, स्पीड में बोलने हम गाज में पहले इधर रख, ए नहीं शांत रहो वाला है, यहां से देखो ये भाई अच्छी, हम जो यहां बताना चाह रहे हैं ना नॉर्थ, अब देखो अब एक भी डिस्कस हम फैक्ट्स कर देते हैं, डिस्कस यहां से हम लोग क्या पढ़े थे, एक बराबर देखो यहां से चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, इसका यहां रखो, ठीक है, हां इसका कलम वाला, सुनो बात, सुनो बकवास मत करो फालतू का। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वह लगातार बंद वक्र पथ, ये कैसा है, एक बंद वक्र पथ है ना। अब देखो यहाँ एक फैक्ट लिखे हैं, नॉर्थ से साउथ एक नंबर में देखो, नॉर्थ से साउथ आउट बाहर की तरफ होती है ना, नॉर्थ से देखो साउथ किसकी तरफ है, बाहर की तरफ, और उसी में साउथ से नॉर्थ इन क्लोज्ड हुआ, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, अंदर भी बल रेखाएं इस प्रकार से जाती है, कल बताए थे नहीं बताए थे, फिगर को देखो, फिगर को हम दिखाते हैं, है ना, ये अच्छा टॉपिक है, इसमें दिमाग मतलब थोड़ा सा इसमें यूज होता है इसमें टॉपिक पढ़ाने में। इमेज हम निकाल रहे हैं तुरंत, वो इमेज किधर गया है ना, इमेज दिखाएंगे सर, सब दिखाएंगे, हमको सब पता है, हमको क्या कहाँ, इसलिए कम डायग्राम कम भेजे हैं, निकाल रहे हैं तुरंत, बहुत डायग्राम है, खुल जा सिम खुल जा, है ना, यही देखो है ना ये, हाँ। तो इसमें ये चीज़ देखना, इस फिगर को देखो तो ऐसे बल रेखा नॉर्थ से निकलती है, अर्ध बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ अर्धवृत्त बनाते हुए, नॉर्थ से साउथ आउट
बाहर की तरफ होती है और फिर अंदर देखो ये बोल रहे फिर इसमें क्या हो रही है देखो सब इसमें प्रवेश कर रही है ना साउथ अंदर की तरफ है साउथ से नॉर्थ चीन देखो तीर किधर गया है इस प्रकार से तीर है नॉर्थ से साउथ और फिर अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ जा रहा है साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो हम लोग दिखाते नहीं फिर में से छोड़ देते हैं ये है तुमको क्लोज्ड हो गया है ना साउथ से यानी कि एक प्रकार का ये क्लोज्ड लूप बना रहा है ये दोनों को मिला देगा तो बन रहा है ना क्लोज्ड लूप देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है क्लोज्ड लूप बन रहा है ना नहीं है क्लोज्ड लूप देखो नाक से फिगर को है देखो ये ऐसे यहाँ से चार्ट हुआ ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया है देखो फिर जा रहा है ना बना क्लोज्ड लूप वृत्त बन गया है बंद वक्र पथ है बंद वक्र पथ है इसी टॉपिक पर खेल रहा है पूरा मैग्नेट का खेला आज देख रहे हो दुनिया इतना एडवांस हो चुका है पंखा चलता है मोटर चलता है आवाज़ सुनाई देता है दूर दूर तक सब इसी के पीछे कॉन्सेप्ट यूज किया गया वही से सीखेंगे अच्छा तो इसमें ऐसे यहाँ से निकली नंबर डी को बनाते हुए इंटर करी ऐसे इस प्रकार से फिर इसमें इंटर करेगी है ना ऐसे इंटर करेगी इस प्रकार से अब यहाँ क्या होगा नॉर्थ से निकलती है निकली तो ऐसे तीर दे दिए है ना नॉर्थ से निकल गया निकला ना और फिर इससे एंटर गई ऐसे बाहर जाएगी तो नॉर्थ से निकल रही है तो ये हो गया तीर ये इसमें भी ऐसे तीर होगा इस प्रकार से किधरों मत घुमा देना तीर नहीं तो फिर लोटिया डूब जाएगा समझ में आया अब जो कल हम लोग पढ़े थे ना बारी बारी से सब पॉइंट एक बार रिपीट कर देते हैं पहला पॉइंट बताए थे चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के दोनों ओर अर्धवृत्ताकार में फैली होती है देखो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं चुंबक के इस ओर भी इस ओर अर्धवृत्ताकार में फैली है कल डिस्कस किए थे उसके बाद देखो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है कहाँ से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर मिलती है मिल रहा है निकला यहाँ से मिल गया उसके बाद देखो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव को लंबवत छोड़ती है यहाँ से निकलेगी क्या डिग्री पर 90 डिग्री पर और दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत पड़ती है ये चीज कल देख चुके थे चुंबकीय बल रेखाएं खींचे हुए धागे की तरह है मतलब तना हुआ है पूरा है ना तना हुआ लुत्पुच है कहीं नहीं है खींचे हुए धागे की तरह मतलब पूरा तना हुआ है ये भी कल बता चुके थे अब देखो चुंबकीय बल रेखाओं ये जो भी पढ़े हैं ना क्या हकीकत में कोई चुंबक लेते तो ऐसा कुछ लाइन दिखा देता है ऐसा कुछ दिखाई इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है हमने इसका कल्पना किया है समझ माया चुंबक लाओ यहाँ से क्या ऐसे ऐसे लाइन ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं दिखता है समझ माया चुंबक में कल्पना किए हम लोग ये भी नहीं है कि ऐसा होता नहीं है ऐसा होता है लेकिन दिखता नहीं है ऐसा होता है समझ में आया रोशनी दिखता है वहाँ लाइट ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ रोशनी है यहाँ दिख रहा है रोशनी नहीं दिख रहा है ना महसूस कर सकती हूँ रोशनी है लाइट है भी अच्छा इसका अध्ययन है ना चुंबकीय क्षेत्र के इसका जो चुंबकीय बल रेखा है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक का कहाँ तक क्षेत्र है उसकी अध्ययन के लिए उपयोगी होती है ये चुंबकीय बल रेखाएं है ना आप देखो बल रेखाओं को धनात्मक दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के माना जाता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दो गो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कहाँ फंस गया हाँ चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है दूसर बात उत्तरी ध्रुव को लंबवत छोड़ेगी दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत आएगी तीसर बात धनात्मक दिशा उत्तर से दक्षिण नॉर्थ से साउथ होती है इस प्रकार से क्लॉक वाइज है ना बस इतना फैक्ट्स याद रख लेना सवाल एग्जाम में बन जाएगा तुमको है ना अब एक चीज यहाँ बोले दिशा अभी क्या बोले हैं दिशा कैसे निकालेंगे हम लोग चुंबकीय बल रेखा का दिशा कैसे निकालेंगे दिशा करने का मतलब है ये नॉर्थ ये चुंबक है ना यहाँ एक स्विच चुंबक रखो यहाँ स्विच चुंबक रखो यहाँ स्विच चुंबक रखो है ना तो बोले थे उसका जो नीडिल है ना वो डिफ्लेक्ट करता है नीडिल क्या होगा डिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा तो जहाँ पर निकालना होगा ना कि नॉर्थ किधर होगा वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो स्पर्श रेखा मैथमेटिक्स ये कहता है किसी बिंदु पर दिशा ज्ञात करना होगा तो वहाँ पर क्या करो टेंजेंट ड्रॉ कर दो यहाँ पता करना होगा यहाँ पर जो कोई चुंबक स्पर्श रेखा यहाँ पर कोई चुंबक है इसका नॉर्थ किधर होगा इसका नॉर्थ किधर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दो इसे इसका नॉर्थ इधर होगा बोलो बात समझ में आया स्पर्श रेखा खींच दिए कोई पूछेगा बताओ यहाँ पर एक चुंबक ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं यहाँ पर चुंबक का दिशा किधर होगा बोलेंगे वहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे यही उस चुंबकीय वहाँ पर चुंबक जो देगा ना यहाँ पर चुंबक उसका नॉर्थ ऐसे रहेगा चुंबक का सुइया ऐसे रहेगा ये इससे पैदा मिलता है देखने के लिए कोई एक वीडियो बोले थे देखा था वीडियो देखा था एक आज और भेजेंगे जो अभी भेजे थे ये सब भी पढ़ रहे हो ना उस सबका लैब करके दिखाया गया हमारे पास व्यवस्था है नहीं तो कैसे करेंगे हम जहाँ पर वहाँ सब तथा करके हम देखे थे ऐसा होता है मन में आया तो जो भी लिंक डालेंगे ना
अभी इस क्लास में दिखा सकते, रिकॉर्ड हो रहा है ना, यूट्यूब पर स्ट्राइक आ जाएगा, आप कॉपी करते हैं दूसरा का, इसलिए लिंक डाल देंगे ग्रुप में, वहाँ से को देखना है ना ग्रुप में। सही टेलीग्राम पर वही टेलीग्राम हुआ, समझ में आया ये बात, दुख समझ में आया। अटेंजेंट डाल दो, पता चल जाएगा उस वहाँ पर नॉर्थ किधर होगा, पता चल जाएगा उत्तर किधर होगा, ग्रुप ये चल जाएगा पता। उसके बाद देखो यही कल हम लोग डिस्कस किए थे, फिर हम लोग मैक्सवेल का नियम देखे थे है ना, जैसे यही तार है इसे को करंट बाहर रहा है कि नहीं बाहर रहा है, यदि बाहर नहीं रहा है तो चुंबक के नॉर्थ पोल में डेविएशन नहीं होगा, चुंबक का जो सुई चुंबक लगेगा कुछ भी नहीं होगा, यदि इसे को करंट बाहर रहा है चुंबक रिलेशन से करेगा इसे चल जाएगा, यही ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है। अच्छा ऐसे ऐसे जो कर रहा है ना, अभी बोले धारा बह रहा है, अभी क्या बोले ये वायर है इससे होकर धारा बह रहा है, करंट बह रहा है इससे होकर के, अच्छी बात है। तो चुंबक इधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर करेगा तो इधर करेगा ना, उन निकालेंगे कैसे, यहाँ दे देंगे तब, यहाँ दे देंगे तब, कहीं दे देंगे तब, कहाँ करेगा डिफ्लेक्ट, अपने विपरीत एक नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कर जाएगा, किधर करेगा इस पर एक नियम है, इस पर क्या है एक रूल है जिसे हम लोग है ना उस फैक्ट को पढ़ते हैं। धारा की दिशा बदलने पर, देखो धारा की दिशा बदलने पर, कल जो ये एक्सपेरिमेंट पेज लाओ, कल वाला पेज लाओ, अभी निकाला था ना है ना, हम बोले थे निकाल, नहीं बोले थे निकाल, रखो तुम यहाँ पर, बोले थे पेन वाला है वो दे दिया था, बोला के बोले हर का ले कोई ले लेगा, लाओ पेन वाला, लाओ लाओ पेन वाला लाओ, यही तो दिक्कत, हम बोले निकाल के रखो तो उसमें धर लिया तुरंत, पेन वाला निकाल के रख लो, पेन वाला मेरे पास नहीं है बंटी साहब, अरे छोड़ो, कल ये फिगर देखे थे ना हम लोग, अभी इसे को करंट बह रहा है इससे होकर के, नहीं मार रहा है ऑफ है ना, तो कुछ भी चुंबक में डेविएशन नहीं हुआ, जैसे इससे का करंट बहने लगेगा नॉर्थ पोल से क्या होगा डेफिएट कर जाएगा, फिर यहाँ लाएंगे तब क्या होगा, यहाँ लाएंगे तब क्या होगा, यहाँ लाएंगे तब क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो इसका दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब नॉर्थ किधर होगा ये बताने के लिए, इस पर एक रूल है, इस पर एक क्या है रूल, कौन दिया मैक्सवेल, मैक्सवेल बताया ये जो आपका चुंबक का नॉर्थ पोल है किधर घूमेगा, इस पर एक हम रूल दे देते हैं, मैक्सवेल साहब बोले वो रूल क्या है, अब रूल पढ़ेंगे, आज का ट्रिप यहाँ शुरू हुआ। सुई चुंबक देख लो कैसा है, नहीं देख कर बहुत भारी गलती किया, नहीं किया देखना चाहिए तुमको लेक्चर, आप देखो यही सुई चुंबक है, फिगर देख रहे हो ना, नील मैग्नेट है, ये तार है ना, ये तार है ना, इससे करंट होकर अभी करंट बह रहा है ना, इसको ले नजदीक, इसका सुइया हिल जाएगा इसे, नहीं बहेगा तो नहीं हिलेगा, नहीं बहेगा तो इसे नहीं हिलेगा, यही स्विच में इसको कहते हैं नीडल मैग्नेट, समझ में आया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो आज का जो नियम है, अच्छा आज क्या पढ़ेंगे समझ में आया, ये जो नॉर्थ डेविएट कर रहा है ना उत्तरी ध्रुव किधर करेगा, उसका दिशा समझ में आया, उसका दिशा ज्ञात करना है, यही चीज है, इधर इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, किधर, वही आप जो रूल पढ़ने वाले हैं ना उसे पता चलेगा किधर डिफ्लेक्ट करेगा, बात समझ में आया। तो उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है मैक्सवेल का रूल, हाँ उस रूल को कहा जाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम है ना, राइट हैंड थंब है ना, एग्जाम में आती है, अरे उससे बढ़िया ई कलम चल रहा है दक्षिण, बुझो आज इसी दुकान में कलम खरीदेगा, लिख देना यहाँ पर, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का कलम की व्यवस्था है जो कि थीन पर चलती है, दक्षिण हस्त इसीलिए कहा जाता है, किसी कमजोर मत समझो, एक टका का रिफिल है नहीं लगा हो इसमें, लेकिन सबका कान काट लिया, मेरा 10% कम से कम फेल है अरे ऑन किए थे कि नहीं किए थे इसको, अच्छा ऑन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, क्या पढ़ा रहा है अंगूठा का नियम, कभी घोड़ा घास चल रहा है कुछ से कुछ ना, कभी चमुक पढ़ा रहा है टका लेता है ठोक करके क्या करोगे देखो है ना, राइट राइट हैंड है ना, राइट हैंड साइड, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल राइट हैंड थंब रूल, दहिना हाथ का नियम इसे क्या कहते हैं, दहिना हाथ का नियम है ना, किसी धारावाही तार से होकर के धारावाही इसे बिजली प्रवाहित हो रहा है, करंट जा रहा है, तो चुंबक का दिशा क्या होगी, नॉर्थ पोल किधर मूवमेंट करेगा, इसी पर एक रूल दिया, जिसको रूल को दहिना हाथ का नियम कहते हैं, उसको बाम हाथ से मत रूल लगाना, दहिना हाथ दहिने हाथ काम देगा, बाम हाथ का वहाँ पर
नहीं लगा, इसीलिए दक्षिण अंगुष्ठ नियम राइट हैंड थंब रूल कहा गया है। समझ में आया? हाँ, इस नियम को जो अभी पढ़ने वाले हैं, शांत रहो, अभी जो रूल पढ़ने वाले हैं, इस रूल को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं या काग पेच का नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का नियम भी इसको कहा जाता है। ये पूछेगा तो जो बताएंगे वही लिखना, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया सर? नहीं आया? एक तुम्हारा क्या नाम, टी सी कुछ और, गाँव में कुछ और नहीं है वह बात। एक कोई कहेगा दाहिना हाथ का नियम, इंग्लिश में बोलेगा राइट हैंड थम रूल, और कोई उसी को कहेगा मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। बात समझ में आया? एक आदमी दो नाम, यही बात है। किसी पे कुछ और, गम कुछ और, यही बात है। उपनाम। तो अब रूल है क्या, दाहिना हाथ का नियम क्या है, इससे होकर के क्या आ रहा है अभी? ये क्या है? तार है। ये क्या है? मान लो इससे करंट अभी बह रहा है ना, और यहाँ पर एक चुंबक ला के खोपिया लगेगा सर, कलम दे दिए तो खोपिया। अच्छा, इसमें ये पहले ये समझाएंगे हम, पहले ये समझाएंगे कि ये चुंबकीय बल रेखा होगी किधर। चुंबकीय जो बल रेखा है ना, ये जो एक दक्षिण अंगुष्ठ नियम है, राइट हैंड थंब रूल है, इससे अब बोले थे क्या, आप कंसेप्ट कल पढ़ाए थे, किसी तार से होकर धारा बह रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय बल रेखाएं डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, तब ना चुंबक ले जाते हो तो चुंबक हिलने लगता है, तभी ना हिलता है। अच्छा, तो वो चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ तक होगी या उसका दिशा क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे? वो जब निकल जाएगा, वो जब निकल जाएगा तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और चुंबक का दिशा क्या होगा वहां पर, वो निकल जाएगा, निकलेगा, कनेक्टेड है। तो पहले बल रेखा की दिशा निकालो और तब टेंजेंट ड्रॉ करो, चुंबक नॉर्थ की तरह अगर डेविएट तब वो निकल जाएगा। यानी कि अब क्या निकालना है, बल रेखा की दिशा। दाहिना हाथ का नियम ये कहता है किसी धारावाही चालक तार से होकर के विद्युत धारा बह रही है, तब कहता है इधर बह रहा है करंट, किधर बह रहा है, लोल के तरफ, तब कहता है दाहिना हाथ से, क्या कर, कौन हाथ से, दाहिना हाथ, इस तार को ऐसे पकड़िए, ऐसे करके, ऐसे कर, देखो इसे पकड़े, ऐसे गए, ऐसे धर लिए हम, हाँ देखो कैसा घूमता है हाथ, ऐसे धर लिए कहता है जिधर धारा बहता है ना, अंगूठा उधरे हो, अंगूठा उधरे हो, तब हाथ जैसे मुड़ता है ना चारों उंगली, वही होगा तुम्हारा, वही दिशा, हाथ जैसे मुड़ रहा इस प्रकार से, यही दिशा होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा, इधर होगी, ऐसे तीर बना दो हाथ पर, इस प्रकार से हाथ जैसे मुड़ रहा है, यदि फिर से समझो, जिधर धारा बह रहा है बहने हाथ की मुट्ठी से, कोई धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़ो, जिधर करंट का दिशा है, जिधर करंट का दिशा है, अंगूठा उधर हो, उधर क्या हो, अंगूठा, तब हाथ जिस दिशा मुड़ती है वही दिशा चुंबकीय बल रेखा की होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की होती है। ना समझ में आया? यस सर। अब यहाँ देखो, ये बेरोजगार व्यक्ति एक धारावाही चालक तार है, इसको पकड़ा है, इसको क्या करा है, पकड़ा है, अंगूठ इधर हम भी बना देते हैं इस इमेज को, है ना, ये एक धारावाही चालक तार है, ये धारावाही क्या है, ऐसे करंट बह रहा है, मान लो इस प्रकार से करंट आई इस दिशा में बह रहा है, तब क्या करना है, इस प्रकार से पकड़ो इसको, देखो हम बनाते हैं, देखो बनता है कि नहीं, आराम से बन गया, हमको ड्राइंग नहीं आता हाथ बनाने के लिए, हमको आता है, आता है तो बना कहे नया, आप बोलते तब तुमको नहीं पता टॉपिक में क्या पढ़ना है, वो तो पता है, लेकिन पता है तो बना कहे नया, पता था था? क्या पता था, पता था कि हमें आज ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेकिन आज सर पीछे वाला थोड़ा समझ में आया, हो गया चार गो, यस पता था, जो भी अपना है कुछ इस प्रकार से हाथ से पकड़ा है, जान लो नहीं बनाई इमेज है ना तो अच्छा। हम तुमको दिखाते हैं डिजिटल इमेज मेरे पास, इसके लिए रखे हैं पहले से हम, देखो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ रहा है, पूछ रहे सर काहे रखे हैं, बता दो तब के ना बता सही जवाब, वो बटे वाला बिस्कुट आप छोड़ कहां से, एक उंगली उठा आराम से बताते हैं, इमेज निकल रहा है, तुरंत इमेज निकल रहा है ना, अब बहुत सारा इमेज भेजे हैं ना, बगल में ये खत्म है मुझे, यहां से इधर देना है, यस अगर मार्क दिखा दो उसको समझ में फिर नहीं आया है ना, तो आप पहले समझो है ना, इसको समझो, ये क्या है, एक चालक कॉपर वायर है ना, अब देखो इधर करंट बह रहा है, इधर देख रहे हो करंट की दिशा, देख रहे हो ना, यहाँ हमने इधर माना है इधर, अच्छा तब क्या किया, ऐसे ही है इसका हाथ, देखो जैसे हम ऐसे धारावाही चालक तार, इसको ऐसे पकड़ा,
ऐसे पकड़ा है इधर माने करंट बह रहा है ना, तब जो हाथ ऐसे मुड़ रहा है यहाँ तीर दिखा दिए, यानी कि ऐसे ही दिशा होगा किसका, चुंबकीय बल रेखा का। यही है, इसी रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी रूल को इसी क्या बोलते हैं भाई, वो कहते हैं रचनी हस्त अंगूठी। बात समझ गया ना, राइट हैंड थंब रूल। इस नियम को नोट में सर लिख जाएंगे। यही इस प्रकार से जो हाथ ऐसे करके मुड़ रहे हो ना, ऐसे कर करके, यही होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा। सर मैक्सवेल के नियम से, हाँ इसी नियम को मोबाइल में देखो ना, वहाँ से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसी नियम को मैक्सवेल का, हाँ देखने दो उसको, और मोबाइल में देखो ना क्या वहाँ चल रहा है, तो बैठो ना मैक्सवेल को, है ना, बहुत कंसेप्ट है तुम लोग पढ़ रहा है, कॉर के स्क्रू नियम न। बहुत कुछ पैर लगते ना इस नियम को, मैक्सवेल का कॉर स्क्रू नियम भी कहते हैं। सब कहता है, समझ में आया। तो इस फिगर कुछ देखो अच्छा से, अब मान लो, आप मान लो धारा ऊपर बह रहा था ना, अब क्या कहते हो धारा नीचे बह रहा है, तब वो कट्ठी लोग है, तब कहेंगे इधर धारा बहता है, अब उठा ऐसे कर दो तब ये होगा। अब देखो ऐसे धारा बह रहा है नीचे, तो अभी कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ऊपर दे दिए ऐसे गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, नहीं हो गया। तो मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा भी बदल जाती है, प्रैक्टिकल के साथ देख लिया है। ये है इस प्रकार से, इधर करंट बह रहा है ना, तो इधर अंगूठा ऐसे मुड़ रहा है ना, ऐसे देखो ऐसे धारा ऐसे बहेगा, ऐसे बहेगा नहीं बहेगा, इस प्रकार से ये भी धारा बह रहा है चुंबकीय। चलो बात खत्म करो, ये समझ में आ गया। अच्छा अब इसको लैब कहाँ करेंगे एक्चुअली में, अब देखो मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन बता रहे हैं, मफतिया एग्जाम दे रहे हैं, है ना, बेचना तो अभी तक दिया नहीं है, 10% भी दे रहा है, कब लेकर आएगा, देखो अब मान लो किसी क्षैतिज शक्ति संचरण पावर लाइन में पूरब से पश्चिम दिशा के विरुद्ध धारा बहती है, आप लोगों का पूरब इधर है ना, मान लो तीर ये क्या है, तीर है, पूरब है उधर, इधर क्या है, पश्चिम है, वही जो गांव में देख रहे हो ना आरा असीम चाप में है बड़का वाला पोल, कोई भी पोल मान लो, तो उसमें धारा जो बहती है ना, वो जो धारा बहती है मान लो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे मान लो सपोज दैट पूरब से पश्चिम की धारा क्या हो रही है, किधर बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है ना, पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, तो ऐसे इस पर दिखा दो, ये धारा का तीर हो गया, ऐसे करके नहीं दिखा दिए, तीर नीतीश कुमार का तीर दिखा दो, ऐसे करके तीर हमने क्या किया, दिखा दिया। अच्छा ये तीर बता रहा है इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, पूरब से पश्चिम बन रहा है। अच्छा तब बताओ चुंबकीय जो बल रेखा होगा ना उसकी दिशा क्या होगी, उसकी भी दिशा सर उधर है। अब क्या होगा, कौन रूल, क्या हम क्वेश्चन क्या बोले हैं, क्वेश्चन सुनो, चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, तब कहता है दाहिना हाथ का नियम, जिधर धारा बहता है उधर कीजिए अंगूठा, अंगूठा कौन हाथ का, दाहिना हाथ का अंगूठा कीजिए, तब जिस दिशा में उंगली ऐसे मुड़ता है ना वही होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा, उंगली ऐसे मुड़ रहा है ना तो ऐसे होगा, यानी कि ऐसे होगा तो ऊपर में ऐसे तीर खींचेगा नीतीश कुमार, ऐसे खींचेगा ना, ऐसे तीर खींचेगा नीतीश कुमार का, इधर पूरब इधर पश्चिम इधर उत्तर इधर दक्षिण, यानी कि तब ऊपर में बल रेखा की दिशा दक्षिण से क्या होगा, उत्तर होगा, बात बुझा, दक्षिण से उत्तर होगा, वही कहा होगा है ना, विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम लागू करने पर है ना, हाँ तार के ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, कुछ समझा, क्या समझा, जब जिस धारा में जब पूरब से पश्चिम की ओर धारा बहती है, अंगूठा ऐसे पकड़ो ऊपर में, तार के किसी पूछेगा कोई बता ऊपर में चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, तो ऐसे करेंगे, है देखो है ना, ऐसे तीर इधर, तीर भोकाल इधर है, तीर की दिशा इधर है ना ऊपर में, तो बोलेंगे उत्तर से दक्षिण, जिधर ही मुड़ेगा उधर, सॉरी दक्षिण से उत्तर, दक्षिण दक्षिण से बोलेंगे ना। अच्छा नीचा में देखो, नीचा में ऐसे होगा, नीचा में तीर इधर मुड़ चुका है ना हाथ,
नीचा में होगा उत्तर दक्षिण, ये बात समझ में आया। वहाँ यहाँ पूछना होगा कि चुंबक जो यहाँ देंगे, मान लो एक चुंबक ला लिए, इसका किधर दिशा होगा, तो जिस बिंदु पूछा वहाँ टेंजेंट मार दो, टेंजेंट जाएगा दक्षिण, उत्तर उत्तर ही चुंबक का दिशा होगा। यहाँ पूछेगा तो यहाँ मार दो टेंजेंट, उत्तर दक्षिण होगा। यही कॉन्सेप्ट पूरा है, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को हम इसी तरीका समझाने का प्रयास किए। सफल हुए समझाने में कि नहीं हुए? yes, सफल हो गए। अच्छा देखो, अब देखो, अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, टाइम है ना, खींच लगा पूरा टाइम। अब यही वृत्ताकार, वृत्ताकार धारा की, ये धारा किसका निकाला? वृत्ताकार धारा। अभी इससे पहले तार एक को था, सीधा बह रहा था ना, अब तार सीधा नहीं है, तार को लपेटा मार दिए हो, कुंडली के रूप में तार है, जैसे पंखा से देखते हो इस प्रकार से क्वाइल कुछ है, वहाँ तब किधर होगा दिशा? सीधा रहे तब नहीं कर दिया, तार घूमल होगा तब, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं, फिजिक्स समझ में आ रहा है? yes, कुछ कुछ आ रहा है, गर्दा सर जी थे हैं? yes, पूरा आ रहा है ना, कुछ कुछ आ रहा है। तो कल दिन 10 दिन पहले थी तब तो दिमाग बहुत अस्त थी। समझा? वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं है ना, उसके बाद देखो मैग्नेटिक फैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, पैटर्न। अब चैप्टर मतलब अपने एक अच्छा मतलब उस प्रकार का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि चैप्टर तुरंत खींच देंगे। समझ में आया? अब खींचने में नहीं लगेगा टाइम, ये बेसिक था, सब चीज समझा चुके हैं, अब तुरंत खत्म। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ना, ड्यू टू ए सर्कुलर क्वाइल है ना, है कान क्वाइल, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। सुमन कुमार का पानी घट चुका है, फिर भी नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, सोचा था यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, लेकिन हम उससे भी चार कदम आगे हैं, लॉक लगा दिए हैं। इसलिए सब नहीं वो देखे नहीं क्या होगा, और लेक्चर बोले देखने के लिए, छोड़ो देखना जमा करेगा तब ना खोलेंगे लॉक। वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, लाओ मोबाइल, ऐसे नहीं समझ में आएगा ये क्या टॉपिक है, तुमको हेडिंग में समझ में आया, हेडिंग में भी समझ नहीं आया होगा है ना, हेडिंग तो कुछ नहीं समझे आप, ये देख रहे हो कुछ क्वाइल, ये यहाँ से देखाइए दिख रहा है क्वाइल है, अभी ये नहीं आएगा समझ में। ये क्या है दू जगह छेद कर दो, इसमें यहाँ भी छेद कर दिया, करिए यहाँ भी छेद कर दिया, दू जगह इस प्रकार से करिए देते हैं, उतार लेना चाहिए। समझ में? यहाँ भी छेद कर दिया, यहाँ भी क्या किए, छेद कर दिए, बात समझ में आया? अब इस छेद से होकर के तार को निकालो, ऐसे घुमा करके इससे होकर फिर नीचा चला जाएगा, जैसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, देखो किया है ना, नहीं किया है, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पर एक होल किया है, यहाँ पर एक होल किया है, तार को ऐसे करके यहाँ से ऐसे कर करके निकाल दिया, ये बात समझ में आया? नहीं लगता है वृत्त बन रहा है, नहीं लगता है, इसीलिए इसको बोले हो वृत्ताकार, क्या बोले हैं हम लोग, वृत्ताकार बोले हैं, वृत्त का कार मंदिर, इसीलिए वृत्ताकार बोल रहे हैं। तो ये क्या सीधा तार है? सीधा तार है नहीं, सीधा तार, सीधा तार नहीं है। अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखा की दिशा क्या होगी, है ना, वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखा है, इस तार से होकर के वृत्ताकार धारा, इसलिए बोले हैं, इससे पहले बोले थे सीधी धारी वाही तार से, बोले थे ना हम, बोले थे सीधी धारा वाही तार से जब करंट बहता हो, अब बोलेंगे तार सीधी नहीं है, तार वृत्त में आकार के, वृत्त के आकार में है, तो वृत्त के आकार में उसे होगा धारा बहेगा, तो बोलेंगे वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखा है, मतलब वृत्त का आकार जो क्वाइल तुम्हारा मुड़ा हुआ है उससे होकर जो करंट बह रहा है, तो उसका चुंबकीय बल रेखा की दिशा
क्या होगा, कुछ भी नहीं है, जो कंटेंट पढ़ा उसी क्या करो, यूज करो। अच्छा धारा मान लो इधर बह रहा है, इधर ये क्या बह रहा है, यहाँ पर करंट बह रहा है ना। मान लो इस वायर से होकर के यहाँ ये है ना, ऐसे बह रहा है करंट ऊपर की तरफ, ऐसे करंट जा रहा है ना। अच्छा ऐसे तारे मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा ना तार को, पकड़ेगा ना, अंगूठा जाएगा ऊपर, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो ऐसे जो हथेली मुड़ रहा है, उंगली जो मुड़ रहा है, यही होगा चुंबकीय बल रेखा की दिशा। बीच में पकड़ेंगे तब ना होगा, कहीं पर भी पकड़ सकते हो। यहाँ पर अभी सिर्फ बोले हैं पकड़े, हम कहाँ बोले हैं, यही यहीं पर बताना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे होगा बल रेखा की दिशा नहीं होगा, अब यहाँ पकड़ेगा, यहाँ धारा ऐसे बह रहा है ना, तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो बल रेखा की दिशा चेंज हो जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पर बल रेखा की दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। फिर यहाँ पकड़ेगा ऐसे हो जाएगा, देखो चेंज कर रहा है ना धीरे धीरे। अभी देखा था ना, एक ही सीधा सीधा तार था, तो ऊपर में बल रेखा दिशा कुछ और था, नीचे में कुछ और था, इधर कुछ और इधर कुछ। ये तो सर्कुलर जहाँ तक हर एक पॉइंट पर चेंज हो जाएगा, नहीं होगा चेंज। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इसी का। और अच्छा सी इमेज देखो यहाँ से है, यह देखो है यहाँ, यानी कि इस तार से होकर करके यहाँ जब पकड़ेगा ना, अब मान लो इसमें होकर के करंट जो बह रहा है ना, हाँ ये वाला इमेज आया। अब देखो जैसे यहाँ पर माने हो करंट ऐसे बह रहा है ना, मैं थर थराता है। तुमने नहीं बुझेगा हम कौन चीज हटाना चाहते हैं उसमें, तो अब देखो ये जो तीर बता रहा है ना, धारा बहाने की दिशा बता रहा है, समझ में आया, तीर क्या बता रहा है। अच्छा तुमको ये भी तो पता है, जब किसी चालक तार से इलेक्ट्रिक करंट, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है ये पढ़ने वाला, ये सब समझने वाला टॉपिक है। उसे तो पहले लाइट आई गई, उसमें तो कुछ था ही नहीं, तो आलू बैगन सब पढ़ा देता है, इन्हें फटेगा यहाँ पढ़ाने में। तो अभी ये पढ़े हम, जब किसी तार से होकर करंट बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र गुण डेवलप हो जाती है, नहीं होती है। तो जैसा बल रेखा बनेगा चुंबक में, उसी प्रकार का बल रेखा कहाँ बनेगा, इस कुंडली में बनेगा ना। yes, ये जो कुंडली है, इसी प्रकार का क्षेत्र कहाँ बनेगा, कुंडली में बनेगा, बनेगा ना कुंडली में। अच्छी बात है, तो वही देखो हे या बना है देख रहे हो ना, ये कुंडली में उस प्रकार का क्षेत्र बना है। फिगर में दिया है नहीं, ये अच्छा फिगर नहीं है, हम तुमको इसमें दिखाते हैं भारतीय भवन में कोई भवन में नहीं कहा, एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी किसी लिए जगह डबल वर्षा किए थे। अब काफी कलम उससे बना के हम लोग देखते हैं, समझ में आया है बाबा। अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये झूठा हम मिला रहा है, आधा अधूरा फिगर है ये, फिगर आधा अधूरा, गलती भी मान सकते हो, अपना एनसीईआरटी का फिगर है ये, समझो। पहले बना लेते हम लोग क्वाइल, क्या बना लेते हैं, अभी फिगर दिखा दिए। अब काफी कलम बात करते हैं, ऊपर से बना रहे हो टॉप व्यू, देखो ऐसे क्वाइल है तुम्हारा, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक कह सकते हो, इसे पढ़ने वाला टॉपिक है, ये सब पढ़ाए तब मजा है पढ़ाने में, है ना। फिगर हमारा सुना गया है, ये घसा गया कलम, कौन सी से बनो छे, ऐसे जो मैंने कॉपी कलम दिया है, फ्री की कॉपी है, फिर कल हम छाप रहे हैं और क्या करेंगे, और कौन बन जाएगा देखा, इसे बना लेगा फिर फेर मंगा करवा लेना, समझ में आया, कर देगा, सबको बना देना, फेरों करवा लो तुम ही लोग, इससे करवाएगा फेर, फेर कर देगा, तुमरा कर देगा ना, हम बढ़ती सिलो में 50 टका कर दे, कोई जोर नहीं छे, शांत रहो। ये जो क्वाइल बनाए उतना छत बना नहीं है, ये क्वाइल देखो इस प्रकार से है, देख रहे हो ना, हाँ ये जो है देखो ऐसे गाढ़ा वाला दो लेन गया है ना, यही क्वाइल तुम्हारा है, यही क्या है, क्वाइल। अच्छा अब मान लो इसको जोड़ दिया बैटरी के प्लस, इसको जोड़ दिया बैटरी के माइनस, घर आकर बैठो, एक आदमी यहाँ कल से बैठेगा, तीन आदमी बैठेगा, अरे यहाँ अरे शांत रहो, एक क्वाइल को एक इंड को जोड़ दिए बैटरी के प्लस से, एक को जोड़ दिए बैटरी के माइनस से, तो प्लस से करंट जाएगी किसके तरफ, पड़ा है ना, तो ऐसे करंट इसमें क्या होगा, इंटर करेगा, करंट क्या हुआ तार में प्रवेश कर गया। अच्छा करंट प्रवेश कर गया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट ऐसे बहेगी, इस प्रकार से नहीं बहेगी, तो यहाँ पर बोलो यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, ऐसे पकड़ेगा ऐसे, तो ऐसे मतलब देखो ऐसे हो रहा है ना, क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज देख रहे हो ना, नहीं हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है, बताओ ना, एंटी क्लॉक वाइज,
सर जी एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं ये सर, एंटी क्लॉक पकड़ लिया ही नहीं पकड़ लिया यहाँ बोले पकड़ ले के ना, यहाँ पर धारा इधर बह रहा है ना, तार को कैसे पकड़ेगा, ऐसे करके धरेगा ना, हैं ऐसे करेगा तो कौन दिशा हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, नहीं सर घड़ी के ऊपरी दिशा, विपरीत दिशा, ये सर विपरीत होगा सर, सर विपरीत होगा, कन्फ्यूज क्या कर गया आप उस साइड से, ऐसे दिमाग छोड़ दे कुछ कहते पहले ऊपर में देखो, पहले कहाँ देखो, ऊपर यहाँ पकड़ो, यहाँ तार को ऐसे पकड़ेगा, इधर करंट इधर बाहर इधर पकड़ेगा, देख रहे हो एना जा रहा है चंद्र, एंटी क्लॉकवाइज एना एना वेलेन डेट एंटी क्लॉकवाइज पकड़ रहे हैं वायर को, नेक्स्ट अपना दिशा देख सर जी तरह, अरे बुझ लिए तू तो महान आदमी, हां है देखो इस फिगर को है, यहां देखो यहां पर वायर को पकड़े हो, कहां पकड़े हो वायर को, ऐसे पकड़ेगा ना, उंगली इधर मुड़ रहा है ना, एंटी क्लॉक क्लॉक छोड़ो, उंगली इधर मुड़ रहा है ना, यानी कि ऐसे करके तीर दिखाएगा ना, ऐसे ऐसे कर करके दिखाओ यहां पर है ना, तो यहां पर ऐसे करंट आ रहा है यहां पर, तो उंगली ऐसे पकड़ेगा, ऐसे तीर देगा, ऐसे तीर देगा ना, ऐसे तीर दो, ऐसे तीर दिया ऐसे है ना, यानी कि ऐसे करंट बह रहा है, नहीं बह रहा है इस प्रकार से हो रहा है ना, इसी प्रकार से इधर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, नहीं हो गया देखो, नहीं होगा चुंबकीय क्षेत्र, अभी पढ़ा है ना वृत्त का रूप में होती है सर, इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर देखो इस प्रकार से ऐसे ही होगा चुंबकीय, यहाँ इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऊपर में इस प्रकार से है, ऊपर में इस प्रकार से है, नीचा में ऐसे तीर आएगा, तीर आएगा, तीर आएगा, तीर आएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बात ख़त्म करो। अच्छा क्लॉक एंटी क्लॉक क्लियर कर देते हैं, ये घड़ी है ना, ऐसे यहाँ बारह मिसुया है, ऐसे ऐसे चलेगा घड़ी, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा तो क्या होगा, क्लॉक वाइज ऐसे चलेगा तो क्या होगा, अच्छा और फिर ऐसे है यहाँ घड़ी सुइया है, विपरीत ऐसे चलेगा, एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा, ये क्या होगा, एंटी क्लॉक, एंटी येलो के क्लॉक वाइज, बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज देखो, ये तार जो है ना, ये ऊपर वाला तार है, ये नीचा वाला तार है, इस बात को पहले फोकस करो, ये ऊपर वाला वायर है, ये कामला वायर है, नीचा वाला वायर है, रस्सी है कोई थोड़ा सा, नहीं है थोड़ू, नहीं है थोड़ू, वहाँ रस्सी है, अरे मटका ले रहा है पत्रकार लोन जी, ले लो नया धोने वाला रस्सी होगा ना, अंकित को बांध दे, आज फिर नहीं उसको खोज रहा है, वहाँ देखो रखा होगा, बात तो बहुत कमाल कर दिया, नहीं कर दिया, कुछ तोड़ क्या गया, कमाल कर दिया, वाईफाई डंडा नहीं है, चलो इसको पकड़ो, दो आदमी मिलकर कैसे करके हम समझाते हैं, अंकित पकड़ो, अरे वैसे थोड़ी पकड़ना, यहाँ पकड़ो, यहाँ पर रिव्यू देखो, यहाँ पकड़ो ना, यहाँ पर लैब हो रहा छो, आए राहुल पकड़, यहाँ एक आदमी से पकड़ो, राहुल पकड़ है ना, और थोड़ा सा ऐसे कर रखो, ऐसे करके रखो, गोलाकार बनाओ दे है ना, कॉइल बनाओ ना सीधा, देखो क्वाइल बना, ये देखिए पूरा असर, अरे ये क्वाइल बना, यस टानिए नहीं रे, नीचा कर थोड़ा दिखाओ, ऐसे करके, ऐसे करके दिखाओ, चलो छोटा कर देते हैं, अरे छोटा कर देते हैं, अब बोलो, अरे बिल्कुल तुरा काहे सब कर रहे हो, क्वाइल बना नहीं, अच्छा ये दिशा, ये जो निकाले हो काफी पर, यहाँ यहाँ पर निकाले हो, ऐसे किए हो, तो देखो ऐसे घूम रहा है ना, यस सर, क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब जो भी छोड़ो, अंगुली की तरफ है दिशा, ऐसे कर करके यहाँ देखो, ऐसे करे अंगुली की दिशा दे दिए, नहीं दे दिए, अब धारा ऐसे बह रहा है ना, धारा कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, पहले यहाँ तो तार को कैसे ऐसे पकड़ेगा ना, ऐसे होकर ऐसे मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, देखो हाथ देखो कैसे मुड़ रहा है, मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है ना, ऐसे पकड़े अंदर अंदर ऐसे धरना पड़ेगा ना, ऐसे मुड़ रहा है ना, ऐसे मुड़ाओ हाथ को, हटाओ, है देखो ऐसे मुड़ रहा है, देखो ये धारा है, देखो इस प्रकार से है, ऐसे न मुड़ रहा है, दिखाए दिखाए समझ में आया, फिर एक और दो गो तीन गो दिखा दो, ऐसे होगा, बोलो ये क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर है, अब देखो अब ये कैसा है बताओ, इस फिगर की से मिलाओ, एंटी क्लॉक है ना, और ये क्लॉक, खेला खत्म, एंटी क्लॉक टॉपिक को खत्म, समझ में आया सर, टाइम खत्म।
तो अब देखो ये बल रेखा है ना तार के पूरा होगा, मतलब अब देखो सुनो एक बात, अब पूरा यदि हम सर्किल बनाएंगे जगह नहीं सीख लगा, ऐसे ऐसे कर देते हैं तो बुझ जाना क्या दिखाए हैं सर, बल रेखा ही दिखाए हैं इसका, सॉरी ऐसे तीर होगा पकड़ने ऐसे तीर, इस प्रकार तीर ऐसे होगा, इसका तीर ऐसे, इसका ऐसे दिखा देंगे हम लोग, मतलब ये पूरा सर्किल टाइप से बना रहा है, जगह कम इसीलिए ऐसा फिगर में तुम्हारे बुक में भी किया गया है। बोलो बात समझ में आया है ना, फिर ऐसे इसको करेगा ना इसको ऐसे तीर इधर ऐसे हो जाएगा ऐसे। अब बीच में देखो क्या हो, बीच में क्या होती है, बीच में है ना ये बल रेखा, देखो जैसे 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 जा रहे हो मिडिल में, जैसे जैसे जा रहे हो तार के बीच में, कहाँ जा रहे हो तार के बीच में, लगता है वृत्त छितरल छितरल बन रहा है थोड़ा सा ज्यादा लंबा लंबा, तो एक समय आएगा ना बीच में सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा, सीधा ऐसे हो जाएगा, ऐसे करंट ऐसे बहेगा अपना, जो भी बल रेखा ऐसे दिखेगा तुमको। ये फिगर समझ में आया सबको? यस सर। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्या लग रहा है कंफ्यूजन बताओ सर, ये फिर सीधा कैसे हो जाएगा, ये दोनों ये भी तीर इधर ये भी तीर इधर, आ पूरा ऐसे ऐसे नमरते 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 इधर तीर भागेगा, इधर थोड़े भागेगा, एक गो बनाएगा एक गो, दोनों मिल के एक ही जगह दोनों चल जाएगा, एक ही गो रहेगा, दो नहीं रहेगा, दोनों मिलता नहीं है, बल रेखा कभी ना पसंद मिलता है तो अपने मनो बीच में। बात समझ में आया, मतलब ये जो बल रेखा जा रही है ना बीच से जाएगी, जो एग्जैक्ट मिडिल से बल रेखा वो सीधी गुजर जाती है, सीधी लाइन में, समझ गए, कहने का मतलब ये हुआ कर्व नहीं है, मिडिल के बाद अपने सीधे अपने सीधा हो जाता है, एगो बल रेखा सीधा गुजर जाता है, ऐसा होता है ना एगो फिगर। अच्छा वो तो अरे दो गो बल रेखा तुम्हें मिलता है नो सर, एगो खेत यहाँ एगो खेत यहाँ है, तो एक गो कोनो आयर होगा जी, दो गो आयर थोड़े होगा, वही है आयर है इससे उधर इधर 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 अच्छा। अब देखो इसी चीज को है या लैब में किया गया है, देखो यहाँ लैब में दिखाए हैं, एक ले लिए हो यहाँ बैटरी, दो तीन लिया है ना बैटरी, इधर कुंडी डाला है करंट बहा इधर है, देखो ऐसे करंट बहाने की दिशा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे पकड़ेगा तार को, हैं तार को ऐसे ऐसे पकड़ा है ना, इधर तीर ऐसे दिखाएगा ना है, देखो दिखल है तीर, दिखाया है नहीं है, देखो ये दिखाया है नहीं, तीर नहीं दिखाया है, दिखाया है तीर, पढ़ाने वक्त एगो रखो रेट ताकि मोबाइल पर स्केच हम ऐसे मार सके, लेता है व्यवस्था नहीं, रेट रखा करो, समझ में आया, कलम से नहीं होता है बताने में, दिक्कत हो जाता है। अब देखो यहाँ ज्ञात करना होगा ऐसे, यहाँ ज्ञात करना होगा ऐसे, यही नहीं बताते, अब यहाँ ज्ञात करना होगा ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं घूमेगा बल रेखा है, देखो बल रेखा घुमल है, घुमल है ऐसे बल रेखा, अब बोलो इससे अधिक नहीं समझ सकता है, बोलो समझ में आया, एक बजे गुजरेगा बीस से गुजरेगा सीधी रेखा में है, क्वाइल में यही होता है। और एक इमेज दिखाते हैं, ये तो एक क्वाइल लेकर दिखाया है ना, ऐसा ऐसा क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारा क्वाइल दिखाएंगे, वो दूसरा कुछ है ना। अब देखो इसी को थोड़ा सा और अच्छा समझो, और अच्छा से है या है ये फिगर को देखो, दूसरे का मान लो यूट्यूब कर लिया है जिसको, जब पंखा का सब क्वाइल है ना, पंखा का क्वाइल कुछ इस प्रकार का उसमें होता है प्रॉपर्टी, देख रहे हो बहुत सारा, एक क्वाइल किया तो ऐसा, बहुत सारा क्वाइल करेगा तो ऐसे बन जाएगा, देख लो ऐसे बल रेखा नहीं लगता है, देखो ना ऐसे ऐसे गया नहीं गया ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पर लगता है ना बीत कुछ दूर तक, और फिर ऐसे ऐसे भागा है, वही तो किए हैं हम, ये कुंडली है, ये क्या है कुंडली है क्या ये सर, ये पंखा का सारा पंखा वायर है, आप लपेट दिया गया है, ये वायर लेके दिखाए हैं, बहुत सारा वायर को लेकर, जो है सर ये बुरादा टाइप से, छोड़ो ना बुरादा है, लेकर लाइव करके दिखाया, वीडियो भेजने के लिंक देख लेना, बुरादा का है ना, भेज दिया आज भेजेंगे, सब दोनों एक और वीडियो छे सर, अरे समझा कि नहीं समझा, कुछ बुझा समझे सर, और पूछ लियो ना उन कलो को, हैं ग्रुप में नहीं डालते हैं सब फोटो, कितना व्हाट्सएप करेंगे साफ है, ग्रुप में दे जाए छे आराम से, तोरा आर के वो लाभ नहीं लिए, ले जल्दी सब लाभ लो, नहीं लेबे हम लो नहीं, दूसरे एक मोबाइल से काम छे, तोहर छवे के लेते हैं ना, मैं बना छी मुसमा रखी, राहुल आज भेज दो सब, कितना टाइम हुआ हो गया है ना, अब सुन नहीं रहा, आज की क्लास समाप्त किया जाए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, भाइयों कहां गए क्या अंकित जी, अब कुछ फैक्ट बताना है ना सर, ये वीडियो सर जी अभी भी इतना बचल है, तो फिर पढ़ने, चलो हो गया कुछ हमारा पढ़ है इस क्षेत्र।